हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से कैसे बचा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने चैनल को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बचा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूट्यूब ने 2019 में तीन बड़े अपडेट किए हैं यूट्यूब के पॉलिसी में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप जानते हैं कि कैसे आप अपने चैनल को कम्युनिटी गाइडलाइन से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को पता नहीं है यूट्यूब के तीन बड़े अपडेट के बारे में, तो उन लोगों को जल्दी से बता दूं। पहला रूल है कस्टम थंबनेल। अब तक आपने जो भी कस्टम थंबनेल लगाए हैं अपने वीडियो पे या लगाने वाले हैं, तो उन सब कस्टम थंबनेल पे पोर्नोग्राफी, एडल्ट या कोई वायलेंस इमेज नहीं होना चाहिए। वायलेंस इमेज जैसे कि दंगा फसाद या मारपीट, ऐसा कोई इमेज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई थंबनेल है आपके वीडियो पे, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है। और अगर आपको दो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया, तो आपका चैनल से जो है कस्टम थंबनेल डिजेबल हो जाएगा। अगर कस्टम थंबनेल के अगेंस्ट में दो कम्युनिटी गाइडलाइन आया, तो कस्टम थंबनेल डिजेबल हो जाएगा। और अगर आपके चैनल पे तीन कस्टम थंबनेल से तीन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है 3 महीने के अंदर, तो आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। सेकेंड रूल है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक, इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई यूट्यूब के बाहर का लिंक डालते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में और वो लिंक पोर्नोग्राफी, वायरस या हैकिंग से रिलेटेड है, या फिर कोई स्पैम लिंक है। स्पैम लिंक जैसे कि जब आप कोई लिंक ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारा एड्स आता है और 5 से 10 सेकेंड वेट करना पड़ता है, तो इस तरह का लिंक आप नहीं डाल सकते हैं। और अगर आपको 3 महीने के अंदर स्ट्राइक आता है, तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है। यहाँ पर यूट्यूब ने एक चीज़ और बताया है साफ साफ कि 15 जनवरी से ये पॉलिसी लागू है और 15 मार्च तक आपको टाइम दिया गया है अपने लिंक को चेंज करने या रिमूव करने के लिए। तो आप इस समय से पहले अपने लिंक को चेक कर लें, अपने अपने जो भी लिंक डाला है, और उसको चेंज कर दें 15 मार्च से पहले। तीसरा रूल है डेंजरस चैलेंज प्रैंक। इस रूल के अनुसार अगर आपके चैनल पर बॉम्ब बनाना या किसी को हानि पहुंचाने वाला चैलेंज या प्रैंक या चाइल्ड हैरेसमेंट या ड्रग यूज़ वाला वीडियो है जो लोगों को हानि पहुंचा सकता है, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है। यूट्यूब ने यह भी बताया है कि अगर आपका वीडियो डेंजरस एक्ट या स्टंट पर है जो कि एडुकेशनल पर्पस, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक पर्पस या आर्टिस्टिक पर्पस के लिए है, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आएगा। अगर आपको कस्टम थंबनेल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बचना है, तो आप बेटर ऑप्शन आपके लिए ये होगा कि आप अपने सारे वीडियो को चेक करें। जिस पे आपको डाउट है, उस वीडियो के कस्टम थंबनेल को ऑटो जनरेटेड थंबनेल से चेंज कर दें। अपने से कोई भी थंबनेल उस वीडियो पे ना लगाएं। और फ्यूचर में ये ध्यान रखें कि ऐसा कोई थंबनेल ना लगाए जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को वायलेट करता है। दूसरा पॉइंट है कस्टम लिंक। जो आप लिंक लगाते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे, आपके पास 15 मार्च 2019 तक टाइम है। आप अपने सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक करें, जहाँ जहाँ आपने लिंक डाला है, जो लिंक ऑलरेडी डिलीटेड लिंक होता है, जो लिंक ऑलरेडी ख़राब हो चुका है या फिर डिलीट हो चुका है, वो लिंक को रिमूव कर दें। और ऐसा कोई कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करने वाला लिंक है, तो उसको रिमूव कर दें 15 मार्च से पहले। आपके पास 15 मार्च तक टाइम है, तो आप उससे पहले अपने सारे लिंक को चेक कर लें जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को वायलेट नहीं करता हो। तीसरा जो रूल है डेंजरस चैलेंज और प्रैंक, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका कोई वीडियो है इस डेंजरस चैलेंज या प्रैंक के ऊपर और ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को वायलेट करता है, तो आपको ये वीडियो डिलीट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये वीडियो डिलीट नहीं करते हैं, तो फ्यूचर में शायद आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है। तो मेरी माने तो वो वीडियो आप डिलीट ही कर दें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।